नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। राजधानी की हवा में जहर घुल रहा है, ये जहर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसको लेकर चिंता बहुत ज्यादा है। चिंता इतनी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि उनकी सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से कहा कि ये अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो दो दिन का लॉकडाउन लगा दे। वहीं सोमवार को ही सुनवाई में एक बार फिर कोर्ट का दिल्ली सरकार के लिए रुख सख्त दिखाई दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसानों के सिर पर सारा ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले। कोर्ट ने कहा कि चार्ट के मुताबिक पराली का योगदान केवल 4% है, वहीं पराली का धुआं सिर्फ 10% ही है। वहीं इसके अलावा कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में सरकार गाड़ियां चलाना क्यों नहीं बंद करा देती है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में लगा जगह जगह कैंपेन चलाए जा रहे हैं रेड लाइट पर, कि जैसे ही रेड लाइट ऑन होती है आप अपना इंजन ऑफ कर दें, ऐसे स्लोगन लेकर आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके आगे कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में आपात बैठक बुलाने को कहा, साथ ही पंजाब हरियाणा यूपी सरकार से किसानों को समझाने की अपील की है। साथ ही मामले में सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए टाल दी है। तो आज दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया था जिसमें दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली सरकार तो तैयार है पूर्ण लॉकडाउन के लिए, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जो इलाके, वहां पर भी लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि पराली जलाने से भी कई बार ऐसा होता है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, मिलकर इस पर आपात बैठक बुलाने के लिए कहा गया है। चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ कहा गया है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। प्रदूषण पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपात बैठक बुलानी जरूरी है, केंद्र सरकार ऐसा करे। सिर्फ किसानों पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं है, लॉकडाउन को आखिरी उपाय रखा जाए, यानी कि उससे पहले के जो विकल्प हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, उस पर बैठक होनी चाहिए। लॉकडाउन को सबसे आखिर में रखना होगा क्योंकि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्ती दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से कोई फायदा नहीं है, आने जो इलाके हैं आसपास के, जो शहर हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं उनमें भी लॉकडाउन लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रमोद जी मान सकते हैं कि प्रदूषण का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है उसमें गिरावट दिखाई देगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का प्रदूषण की समस्या इस समय बनी हुई है और ये साफ तौर पर देखा जाता है कि प्रदूषण की जितनी समस्या होती है इसी तरह से बहानेबाजी सरकार के सामने होती है। और इसी को लेकर देखा जाए तो पटाखों का धुआं कह लीजिए, पराली का इसको बहाना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जब भी इस तरह की समस्या बनती है तो सरकार पूरा ठीक रहा किसानों के सर पर फोड़ देती है और किसानों को पराली जाने का जिम्मेदार ठहराती है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के दौरान ये साफ तौर पर कहा गया कि किसानों को 10% आप मान के चले कि पराली से प्रदूषण होता है। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा इतनी रफ्तार पर गाड़ियां दौड़ती है, उनका जो धुआं का प्रदूषण होता है वो सब ये समय के लिए प्रदूषण के लिए काफी खतरनाक पैदा होता है। और इसी के लिए सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए और इस पर आपातकालीन बैठक बुलाकर इस पर डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पराली का जो योगदान है वो केवल 4% है, पराली का धुआं सिर्फ 10% ही होता है, यानी ये साफ है कि दिल्ली का जो बढ़ता प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों की वजह से हो रहा है। जगह जगह पर ट्रैफिक रहता है, एक एक घर में चार चार वाहन है, तो ऐसे में इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पर है कि इस तरह से अगर एक्शन गाड़ियों पर लिया जाए, क्योंकि पहले आपने देखा को दिल्ली सरकार ने ओडियन फॉर्मूला चलाया था, उसको लेकर भी प्रदूषण कोई कंट्रोल नहीं होता, और अब आगे जब इन पर प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाए तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार कह लीजिए, दिल्ली सरकार कह लीजिए, तब भी समस्या उनके सामने आती है तो किसी ना किसी का बहाना लेकर ये बैठ जाती है। और इससे पहले किसानों को जिम्मेदार हमेशा कराया जाता रहा है, उसका एक बार सर्वे भी दिल्ली सरकार ने कराया था, जिसमें किसानों की समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, कितनी बड़ी समस्या वहाँ पर एनसीआर के अंदर गाड़ियों का धुएं से गाड़ियों के धुआं को लेकर जो प्रदूषण होता था ये थी। तो इसी पर अब सुनवाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें याचिका इस पर दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट जो प्रस्ताव दिल्ली सरकार को लगाई है उस पर अहम कदम उठाना दिल्ली सरकार के लिए जरूरी है, और ये साफ है कि दिल्ली में नहीं बल्कि आसपास के एनसीआर में भी इस तरह की समस्या बनी हुई है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए और इसी पर इन्हें कार्य करना चाहिए। प्रमोद जी, एक और सवाल यहाँ बनता है कि जैसे हमने देखा था कि जो केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी, एक आरोप लगातार केजरीवाल सरकार पर लगता है कि वो विज्ञापन तो बहुत करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती। जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई तब हमने देखा था कि ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो लेकर आई थी, जिससे कहीं ना कहीं राहत दिखाई दी थी प्रदूषण को लेकर। क्या अब वो फॉर्मूला नहीं हो सकता है? अब लॉकडाउन की जरूरत क्यों है और एनसीआर में भी लॉकडाउन की जरूरत क्यों है? लॉकडाउन को लेकर आर्थिक स्थिति वैसे ही इतनी ज्यादा खराब चल रही है देश के, पिछले दो सालों से हम लॉकडाउन जैसी स्थिति ही देख रहे हैं। बिल्कुल कानून से जिस प्रकार से अभी देश कोरोना महामारी से निपटा है तो इसे लेकर लॉकडाउन को पहले ही झेल चुका है और इसे देश को काफी घाटा हुआ है, तो इस समय तो मुझे लगता है जो लॉकडाउन का फार्मूला ये सही नहीं है। ओडी वन को लेकर अगर बात की जाए तो ओडी वन का फार्मूला इस पर लागू हो सकता है, क्योंकि ऑडिट ये सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ बोला है कि आप चाहे तो दिल्ली सरकार ऑडिट करा ले, क्योंकि जितना पैसा विज्ञापन पर खर्चा है इतना पैसा कंट्रोल प्रदूषण को कंट्रोल करने पर खर्चे तो सकता है कि जनता को राहत मिल सकती है। तो ये भी साफ तौर पर देखा जाता है कि सरकार अपने विज्ञापनों को ज्यादा खर्च करती है और प्रदूषण को लेकर इतना ध्यान नहीं देती, तो ये सरकार के लिए काफी घातक है। जी बिल्कुल प्रमोद जी, और अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो हमें जगह जगह रेड लाइट पर कुछ वॉलंटियर्स जो है वो स्लोगन के साथ कुछ पोस्टर्स लेकर खड़े हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप रेड लाइट ऑन होती है तो आप इंजन अपना ऑफ कर दीजिए ताकि प्रदूषण से भी राहत मिले और ईंधन की भी बचत हो। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण का जो स्तर है वो इस कदर है कि दिल्ली की जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो रही है। तमाम मामले सामने ऐसे आ रहे हैं जो कि कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो बच्चे हैं उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बुजुर्गों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। अगर इंसान निकले तो कैसे निकले, कैसे खुली हवा में सांस ले? बिल्कुल बात देखिए, जिस तरह देखा जाता है रेड लाइट की आपने बात की, रेड लाइट को भी साफ तौर पर देखा जाता है, गाड़ी जब तक स्टार्ट होती है तब तक पोल्यूशन ही उसके वहां पर पैदा होता है, तो ऐसा होना चाहिए कि ये लोगों की मानसिकता होनी चाहिए कि अगर रेड लाइट पर आपको ज्यादा टाइम लगता तो उसको गाड़ी का इंजन बंद कर लेना चाहिए, उससे क्या होगा था कि आपका प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार के अहम कदम इसमें जरूरी है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा गाड़ी की कोई वैल्यूएशन यहाँ पर निकाली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ी सड़कों पर खूब दौड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की ये भी हो सकती है। और देखा जिस प्रकार से देखा जाए पराली जलाने वाली जो बात है, उस पराली जलाने वाली पर ध्यान न देकर किसी भी प्रकार का एक ऐसा फार्मूला दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू करना चाहिए, जिससे पूरा प्रदूषण कंट्रोल हो जाए और प्रदूषण कंट्रोल होने के बाद लोगों को राहत मिले, क्योंकि अभी अक्सर देखा जाता है कि इस मौसम में आम इंसान को किसी को सांस की बीमारी होती है, किसी को गले की बीमारी होती है, किसी तरह की बीमारी है, किसी को आंखों में जलन होती है, ये ऐसी चीजों का सामना करना जनता को पड़ रहा है, और इस जनता को राहत पाने के लिए प्रदूषण ही एक ऐसी चीज है जिससे सरकार आना ही पड़ेगा। आगे केंद्र सरकार आगे नहीं आएगी तो रास्ता नहीं निकलेगा। प्रमोद जी, आप अपने लेखन में हमेशा प्रदूषण को लेकर बहुत सारी चीजें लिखते रहते हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि बढ़ते प्रदूषण को हम रोक तो नहीं सकते लेकिन कोई बेहतर कदम जरूर उठा सकते हैं, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए और बढ़ते प्रदूषण से जो हवा जहरीली हो रही है तो इससे बचाव के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, आम जनता को इसमें देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से प्रदूषण की समस्या उनके सामने है तो उन्हें मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए और घर से मुझे लगता है जितना बेहतर हो कम निकलना जाए, क्योंकि उसको लेकर प्रदूषण अगर देखा जाए तो आप अगर ये कभी इस तरह की बीमारी जब होती है तो जैसे आंखों में जलन वगैरह की आपको महसूस होता है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही इसमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए ठीक है प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए और एक सही संदेश आम जनता को देने के लिए, जो न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की जनता है, जो दर्शक हैं उनको देने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है ही, साथ ही साथ बेवजह घरों से बाहर निकले, देखिए जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो निकल ही रहे हैं लेकिन डॉक्टर सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अभी
एक महीना तो ऐसा ना करें, बेवजह घरों से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार सख्त नजर आ रहा है, केंद्र सरकार पर भी और प्रदेश सरकार पर भी। अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने तो साफ कह दिया अपने हलफनामे में कि हम तो पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं उन पर भी एक्शन लेना जरूरी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर आपात बैठक बुलाएगी और कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।